हेलो दोस्तों, मैं हूं मानिक और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल साइबर स्कूल चैनल। और आज जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, इसमें मैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है, इसमें आप रिन्यूअल कैसे करेंगे वही मैं दिखाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे या पासवर्ड को रिकवर कैसे करेंगे। ठीक है, आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को रिन्यूअल कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, लॉग इन के नीचे ही आ गया है रिन्यूअल 2018-2019, इसमें हमें क्लिक कर देना है। और दोस्तों, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आईडी आपको देना है, पिछले साल आपने जो बनाया था, इसके बाद पासवर्ड देना है, इसके बाद आपको कैप्चा भी डालना है। तो दोस्तों, बीच में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए। चलिए फॉर्म फिलअप कर लेते हैं अभी। तो दोस्तों, हमने अभी एप्लीकेशन आईडी दे दिया है, पासवर्ड भी दे दिया है, अभी कैप्चा देना है और कैप्चा भी डाल दिया। अभी लॉगिन में क्लिक कर देंगे, देखेंगे कि लॉगिन होता है कि नहीं। तो दोस्तों, हम लोग लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए राइट साइड में जो सेकंड वाला ऑप्शन है अप्लाई फॉर रिन्यूअल, वो इसे हमें क्लिक करना है इसमें। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने जो फॉर्म फिलअप किया था पिछले साल वही दिखा रहा है। यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको सिर्फ डालना है, जैसे आपका जो प्रीवियस क्लास है उसका परसेंटेज देना है, और जो ट्यूशन फी है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में एक पेमेंट दिया था लेकिन सेकेंड ईयर में पेमेंट फीस बदल जाएगा अगर आप एडमिशन लेते हैं सेकेंड ईयर में, तो इसलिए आपकी ये सब चीज़ें बदल जाएगा, जैसे मार्क्स है, परसेंटेज है, इसके बाद आपकी जो फ़ी है ट्यूशन फ़ी, अदर्स फी, फिर एडमिशन फ़ी, ये तीन चीज़ आपको डालना है। और यहाँ पे देखिए मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है मैंने दिया था, लेकिन नेट स्लो है इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। तो अगर अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, अगर आपको ऐसा दिखा रहा है, तो आप फिर से इसको अपलोड कर सकते हैं। मेरे जो पिछले वीडियो है जिसमें मैंने आपको दिखाया था फॉर्म फिलअप, फुल फॉर्म फिलअप NSP का, तो उसमें आप पूरा देख सकते हैं डिटेल्स। तो चलिए फिर फॉर्म फिलअप कर लेते हैं अभी। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्लास स्टार्ट डेट, यानी कि कौन सी डेट में आपका क्लास शुरू हुआ है, सॉरी, जो सेकेंड ईयर में या अपने थर्ड ईयर में एडमिशन लिया है। अगर क्लास शुरू नहीं हुआ है तो क्या आइडिया करके आप वहाँ पे लिख सकते हैं, दे सकते हैं, या कॉलेज से पता करके कब तक क्लास शुरू हो जाएगा आप ये डेट दे सकते हैं। इसके बाद आपको देना है प्रीवियस क्लास परसेंटेज, जो 33% से नीचे होना नहीं चाहिए, ठीक है। और दोस्तों, इसके बाद आपको देना है एडमिशन फ़ी, इसके बाद है ट्यूशन फ़ी और इसके बाद है मिस्क फ़ी। तो ये तीनों चीज़ें आपकी जो एडमिशन के टाइम अपने कॉलेज में जो पेमेंट किया था, मतलब एक रिसिप्ट दिया था, उसमें सारा चीज़ें लिखा रहता है, आप वहाँ से देख के दे सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं अभी। तो दोस्तों, जितना फॉर्म फिलअप करना था हमें कर दिया है रिन्यूअल के लिए, अभी सबमिट करेंगे, पहले सिलेबस ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए रेड कलर में आ गया है, क्योंकि हमने जो परसेंटेज था वो 5.78 दिया था, और यहाँ पे लिखा है कि मैंने आपको पहले बोला था कि 33% से ऊपर हमको देना है, लेकिन हमने यहाँ पे 5.78 लिखा है, तो उसको हम सही करके सेव कर लेते हैं अभी ड्राफ्ट में, सेव एज ड्राफ्ट। इसके बाद हम लोग करेंगे फाइनल सबमिट। और दोस्तों, ऊपर जो नोटिफिकेशन आया है उसमें लिखा है कि एक बार आपने फाइनल सबमिट कर लिया है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते दोबारा, तो इसका हम ओके कर लेते हैं, क्योंकि हमने चेक कर लिया है, कोई भी गलत नहीं लिखा है, हमने सब सही से दिया है, तो ओके कर देते हैं, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली फाइनली सबमिटेड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू योर इंस्टीट्यूट फॉर वेरीफिकेशन। हमने अपना जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली फाइनल सबमिट कर दिया है, और वेरिफिकेशन के लिए आपको आपकी जो इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेज है, उसमें आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और इसके नीचे देखिए प्लीज़ क्लिक हियर टू प्रिंट, यानी कि टेक प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे कैसे रिन्यूअल करना है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि ये हेल्पफुल है आप लिए, तो दूसरों को भी हेल्प कर सकता है ये वीडियो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो नए दोस्त हैं मेरे चैनल में, उनको बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग मेरे चैनल में आए हैं, वीडियो देख रहे हैं। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर चलते हैं, बाय, सबाई भलो थे, एक टू बांगला शेखा तुम्हारे एखन चैने, चलो जाता हमें चलते हैं, टाटा।